क्यों दें नंबर, क्यों दें नंबर, क्यों दें हर किसी का नंबर क्यों दें? आपने अगर सुबह से लेकर शाम तक काम किया है, 20 क्लाइंट आपके पास आए हैं, एक दूसरे के नंबर, क्या आप एक दूसरे के नंबर हर किसी क्लाइंट को देते हो? नहीं देते होंगे, मैं देता हूँ। जितने भी लोगों को आज तक ट्रेनिंग दी, सबके नंबर यूट्यूब पे हैं। आज भी 5 लोग बैठे हैं। चैलेंज क्यों रहता है? चैलेंज इसलिए रहता है, हो सकता है ना ये 1 महीने तक झूठ ना कह पाए, सच ना कह पाए। आप 6 महीने बाद ट्राई करो इनको, 1 साल बाद ट्राई करो, 2 साल बाद ट्राई करो। मैं इसलिए नंबर दे रहा हूं ताकि मेरा सच जो है वो दुनिया देख सके। नमस्कार, मैं आलोक सिंह सिसोदिया, एमईए सर्विसेज, अजमेर राजस्थान से। जैसा कि सबको पता है, हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है और हमारा जो शेड्यूल है वो 6 डेज ट्रेनिंग शेड्यूल है, 6 दिन, 90 दिन का गैप, फिर से 6 दिन। जो हम लोगों के साथ काम करते हैं मिलके, जो हम सीखते हैं, जो हम सिखाते हैं। आज हमारे साथ में 2 जने हैं नए, 3 जने हैं पुराने। रफी सर का लास्ट इंटरव्यू जो था बहुत अच्छा था, क्योंकि सर ने अपनी टंग लैंग्वेज यूज करी। आज जो दिन है वो है रविवार का, मंडे से लेकर सैटरडे तक का शेड्यूल रहता है। लेकिन इस बार का जो शेड्यूल है, अकॉर्डिंग टू हमने जो करा है, वो हमने करा है बैचेस में जो लोग आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आज का ट्रेनिंग शेड्यूल जो हमने अप्रैल का दिया है, उसमें हमने सिर्फ 2 लोगों को लिया है। 2 लोग जो है वो आ नहीं पाए किसी कारण से, उनको हम नेक्स्ट बार बुलाएंगे। 3 जने जो है वो है पुराने, रफी सर, बलराम सर, तनवीर आलम सर, सब अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज। तो क्या हो, क्यों ये एमईएस को ज्वाइन करा इन्होंने, क्यों ये एमईएस में आए, एमईएस में आने का कारण क्या है? 6 दिन की ट्रेनिंग, 90 दिन का गैप, फिर 6 दिन की ट्रेनिंग। तो 6 दिन की ट्रेनिंग इन दोनों की अभी हो चुकी है। सर जो है शाकिर सर, वो काफी अच्छा काम करते हैं। सर का एक वीडियो हमारा टाटा सफारी के ऊपर भी है, क्योंकि हमने जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए वो सारी चीजें करी, क्योंकि एक क्रिएटिविटी थी कि नए व्हीकल में क्या टेक्नोलॉजी ऐसी आती है। तो हमने सबने एक अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके वो वीडियो मेकओवर करके बनाया, वो भी आप देखिएगा हमारी प्लेलिस्ट में। जो भी इस चैनल पर नए हैं, हमारा थोड़ा सा आप कंटेंट देखेंगे तो हमारी नॉलेज का पता लगेगा, हमारे काम करने के तरीके का पता लगेगा। जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, थोड़ा सा पुराने वीडियो जरूर देखें। तो शाकिर सर से, कैब सर से, तनवीर सर से, बलराम सर से और सर से, जो हमारे सबसे ओल्डेस्ट मैन है, तो सर से, रफी सर से भी बात करेंगे। तो रफी सर से स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा, कि 2 महीने बाद मैंने इनको बुलाया, सर को और सर को, रफी सर और शाकिर सर जो है वो बिल्कुल जीरो है। जीरो मतलब जिसे कहते हैं कि एक नया व्यक्ति नई लाइन में घुस रहा है, नए ऑक्यूपेशन में घुस रहा है। तो वही जैसे बलराम सर है वो 1 साल पहले मेरे पास आए थे, तनवीर सर है वो 1 साल पहले मेरे पास आए थे। तो 2-1 साल पहले जो आए थे उनकी लाइफ में क्या चेंज हुआ एमईएस में आके? मेरा आप दोनों से ये क्वेश्चन रहेगा। आपका 2 महीने बाद जब मैंने इम्प्रोवाइज के लिए बुलाया, क्योंकि पहले बैच में थोड़ी बहुत चीजें गलत हुई थी, मिस हुई थी, 2 महीने बाद मैंने फिर से बुलाया, और जो इस बार जो मैंने देने की कोशिश करी है, जो 6 दिन का हमारा शेड्यूल रहता है वो शाम को 7 बजे स्टार्ट होता है या 4 बजे स्टार्ट होता है, वो सुबह तक चलता है, फिर गैप होता है, फिर सुबह तक चलता है, फिर गैप होता है। तो एज एन डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जो भी यहाँ आते हैं और सीखते हैं और अच्छे से हैं, क्योंकि एक ही जगह रहना होता है। तो स्टार्ट करते हैं रफी सर से। रफी सर थोड़ा सा बताइए कि आपका 2 महीने बाद का कैसा रहा ये शेड्यूल एक बार। हाय एवरीवन, मैं अंदर की तेलसु फिब्रवरी नीतम ने ट्रैनी वचान मरी लास्ट ना एक्सपीरियंस वीडियो शेर चसा అయితే ఫస్ట్ 6 రోజులు నేను వచ్చి ట్రైనింగ్ తీసుకుని దాని తర్వాత నా స్టేషన్ వెళ్ళిపోయి ఏదైతే నేర్చుకున్నానో దానికి అవసరమైనటువంటి మెటీరియల్ ఏమైతే నేర్చుకోవాలో, ఏది స్టడీ చేసుకోవాలో అది చేసుకుంటూ ఉన్న తరుణంలో మళ్ళీ సార్ అనుకోకుండానే ఒక 2 మంత్స్ తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ రా అని చెప్పి చెప్పారు. ఒక మంచి మ్యాచ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, దాంట్లో చాలా లాభం ఉంటుందని చెప్పి చెప్పారు. అయితే నేను సార్ చెప్పంగానే ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా నేను వచ్చాను. అయితే నా స్టేషన్కి వెళ్ళి 2 నెలలు ఏదైతే నేను 6 నెలల క్రితం తెలుసుకున్నానో దానికి అవసరమైన బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఏం అవసరం అనేది స్టడీ చేసుకొని స్కానర్ కూడా ఒకటి తీసుకువెళ్ళి ఆ స్కానింగ్ చేస్తూ మళ్ళీ ఈ 2 నెలల తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే సార్ సబ్జెక్ట్ చెప్పారో
అది నాకు అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా దోహదపడింది అన్నమాట. చాలా ఎక్కువ గంటలు ఈసారి మాత్రం ట్రైనింగ్కి దొరికాయి. ప్రతిరోజు సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి రెండో రోజు 8-9 గంటల వరకు కూడా కంటిన్యూ ట్రైనింగ్ ఎలర్ట్. ఈ ట్రైనింగ్ ఎలాగంటే ఒక ఈసీఎం బోర్డే కాదు, ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపోనెంట్ని అసలు ఎలా చూడాలి అనే బేసిక్ దాని మీద మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మనకి సార్ సబ్జెక్ట్ చెప్పడం జరిగింది. ఇది చాలా యూజ్ఫుల్. ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో వారందరికి కూడా నా తరపు నుంచి ఏంటంటే, సార్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ లైఫ్ మీద ఇక్కడ కోర్స్ చెప్పడము, అదేవిధంగా ఏదో ట్రయల్ బోర్డు మీద ఒక 2 బోర్డుల మీద 3 బోర్డుల మీద నేర్పించడం కాకుండా లైవ్ చాలా కాస్ట్లీ కస్టమర్ బోర్డ్స్ మీద మనకు ఈ ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం, మరియు ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయో ప్రోగ్రామింగ్స్ ఉంటాయో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని మన చేత చేయించడము నేర్పించడము మరి సపోర్టింగ్, ఇదంతా నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను. మళ్ళీ 2 నెలల తర్వాత నన్ను పిలవడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను, మరియు ఇది చాలా లాభదాయకంగా నాకుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రఫీ సార్. రఫీ సార్ కా ఇన్ షార్ట్ మే బతాఊం తో రఫీ సార్ నే మేరే కో ఏక చీజ్ బోలీ జో కే మేరే కో అచ్చీ లగీ, క్యూంకి మేనే కాఫీ సారీ స్టడీ కరీ, ఖుద్ పే ఇత్తా సారా పైసా లగాయా, ఔర్ ఆజ్ మే జో కర్ రహా హూం వో బహుత్ ఐసా హై కే బహుత్ అన్మోల్ సా కామ్ హై, క్యూంకి आज जितने भी ECM ट्रेनिंग सेंटर है वो क्या करते हैं, बिना किसी क्वालिफिकेशन के एडमिशन लेते हैं. पहली चीज, आपकी सिटी में 50 लोगों को ट्रेनिंग अगर उन्होंने दे दी तो आप क्या कमाओगे? बिजनेस प्रोपोगेंडा जो है वो भी खत्म हो गया, मोनोपोली खत्म हो गई. एक सिटी से एक व्यक्ति का जो हमने प्रोपोगेंडा चलाया वो इसलिए चलाया क्योंकि हम एक व्यक्ति से ही खुश है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको पूरा हर चीज सिखा रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती. तो सर ने एक चीज कही कि आप ECM तो नहीं सिखा रहे, आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिखा रहे हो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा इनका वो कॉम्प्लीमेंट. बलराम सर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि सर की लाइफ में एक साल में जब आए थे, थोड़ा सा इन शॉर्ट करेंगे इस वीडियो को क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है. बलराम सर, आपका एक साल पहले जो बलराम थे और आज जो बलराम है, एक साल में आपके साथ क्या क्या हुआ, कितनी नॉलेज अपग्रेड हुई है, और इससे पहले एक साल पहले क्या आप काम करते थे थोड़ा सा? मेरा नाम बलराम साहू है, मैं उड़ीसा से हूँ. मैं इधर इलेक्ट्रॉनिक्स का ECM का रिपेयरिंग के लिए काम सीखने के लिए नेक्स्ट एक साल में पहले आया था. तब मैं फ्रेशर था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी मुझे पता नहीं था. तो सर से बात हुआ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना चाहता हूँ. सर ने बोला कि ठीक है, अब अजमेर आ जाओ. मैं उड़ीसा से अजमेर आ गया, यहाँ तक बहुत रास्ता भी बहुत है, एक से अकेला आदमी यहाँ तक आ गया. तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखने के लिए मैंने बोला सर को ECM का बारे में बोलने बोला कि सीखना है तो आप ECM मत सीखो, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखो. इलेक्ट्रॉनिक्स सीखोगे तो तुम्हारा ECM PCM BCM जो भी बोर्ड हो आप सब कुछ कर सकते हो. अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सीख गए तो कोई भी बोर्ड आपके पास आएगा तो आप फटाक से रिपेयर कर सकते हो, कोई भी मतलब जानकारी आपको मिल जाएगी उनसे. और एक साल में मेरा लाइफ में बहुत चेंजेस हुआ. सर ने जितना ज्ञान दिया और MES की तरफ से जितना भी ज्ञान मिला मुझे, मेरा लाइफ में बहुत चेंजेस हुआ है, और मेरा फैमिली, मेरा घर, सब कुछ चेंजेस हुआ है. एक सर से मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हर सिटी में एक व्यक्ति को हम क्यों देते हैं, क्योंकि सर को मैं यहाँ बैठा बैठा उड़ीसा में काम दे रहा हूँ. हमारे पड़ोस में है भीलवाड़ा से, वो उनकी गाड़ी उड़ीसा में कोई जिला था, कौन सा जिला था, बालेश्वर जिला था, वहां पर उनकी गाड़ी खराब हुई. उन्होंने मुझे फोन करा कि मेरी गाड़ी इधर उधर फंसी हुई है. तो हमारा हर सिटी में लगभग हर सिटी में एक एक व्यक्ति रहते हैं. मैंने सर को फोन किया, सर ने लाइनअप करा, गाड़ी ओके हो गई. तो ये एक पावर है थोड़ी सी, एक चैनल के साथ जुड़ के और एक अच्छे चैनल के साथ जुड़ के, एक मेहनती चैनल के साथ जुड़ के काम करने का, क्योंकि मेरी मेहनत अब सबको दिखने लग गई है धीरे धीरे. क्योंकि मैं एक बात बोलना, जी जी श्योर. हाँ, एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ. मैं 2 महीने के बाद ये आया हूँ, सर 1 ईयर के बाद आए. तो इनमें मैं मेरे को देख लिया, मैं मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, सर को भी कुछ भी नहीं मालूम जब यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए. तो 1 ईयर के बाद सर यहाँ के
कंपोनेंट्स को चेक करना, बोर्ड को सही करना, उसको रेडी करना, ये सब देखे तो 1 ईयर के बाद मैं भी ऐसा ही होऊंगा बोल के मेरे को कॉन्फिडेंट आ गया। इतने कुछ डाउट ही नहीं है सर, ये कॉन्फिडेंट मेरे को दिखाया था सही ये। जरूरी है, क्योंकि हाँ बेटर नॉलेज जब मिलेगी आपको तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, बेटर कार चलाओगे आपको खुद को अच्छा लगेगा। बात करते हैं तनवीर सर से। तनवीर सर जो है वो 1 साल पहले आए थे, और सर की लाइफ में जो भी चेंज हुआ प्लस सर की नॉलेज जो अब इस बार का जो बैच तनवीर सर ने 3 महीने बाद लेना था, लेकिन ड्यू टू बहुत सारे कारण थे उनकी वजह से सर को अब टाइम मिला है 1 साल बाद आने का। सर का अलाव हमने करा, आओ आप। अब जो रिजल्ट हमने आपको दिया है उसके बारे में एक बार आप बताओ, आप क्या काम कर रहे हो उसके बारे में एक बार बताइए आप। 1 साल पहले जो मैं आया उस टाइम ECM का काम सीखा, लेकिन फाइनल नहीं हो पाए, वहाँ गए। फिर वहाँ से वापस आपने बुलाया सर, वहाँ से आया, फिर अभी इतना अच्छा सीख के जा रहे हैं कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इतनी अच्छी नॉलेज हो गई यहाँ पे आके, लेकिन 1 साल के बाद आप बुलाए, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। चलिए तनवीर आलम सर को थोड़ा सा अभी गले में कुछ दिक्कत हो गया, तो बोलने में भी पूरा प्रॉपरली आ नहीं पा रहा। वो जाने का भी टाइम आ जाता है जब, तो पूरा क्या अब 6 दिन बिना सोए बिना कुछ करे, यहाँ का थोड़ा शेड्यूल ऐसे ही चलता है। अब बात करते हैं मेन जो दो किरदार हैं यहाँ पर जो नए हैं, तो सर एक बार कैप सर से बात करेंगे। कैप सर है अहमदनगर महाराष्ट्र से। अहमदनगर महाराष्ट्र कहा जाता है कि बहुत सारे बहुत अच्छा काम है वहाँ पर। कैब सर ऑलरेडी काम कर रहे थे, आप जब यहाँ पर आए अब आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, अब कैसी आपको नॉलेज मिली, क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ उन 6 दिनों में जो आपने एक्सपीरियंस करा, बेसिक बेसिक आप वो बताइए। मेरा नाम कैफ सैयद है, मैं अहमदनगर से हूँ महाराष्ट्र। मैं सर के पास ट्रेनिंग लिया, मैं पहले बहुत दिन से सर को कांटेक्ट किया था, करीब 1 साल पहले किया था, लेकिन मेरा अभी अप्रैल में शेड्यूल बैठा, तो सर ने एकदम कॉपरेटली एकदम घर के जैसा पूरा एकदम संभाला, यानी कि सब एकदम बारीक से बारीक सब चीज़ बताए। और इनका जो फीस है वो लोग बहुत कंसर्ट करते, क्या फीस ज़्यादा है ये, तो फीस ज़्यादा नहीं उनका, उन्होंने जो उनका लाइफ लगाया हुआ है उसके वजह से वो फील है, और उसका वैल्यू नहीं बोलते, तो उसका वैल्यू अपन लगा नहीं सकते, पैसे उसका वैल्यू नहीं लगा सकते, क्योंकि तो सर ऐसा नॉलेज देते कि वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता, कोई नहीं। सर जो ये बोलते ना कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो हकीकत में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। आज कहने से नहीं होता, हर हर व्यक्ति अपने आप को नंबर 1 कह सकता है, बट आप अगर मेरा पूरा एक्सपीरियंस लेंगे कि मैंने कितना खुद पे काम किया है, तो उस चीज को लेकर और मैंने जितना बारीकी से हर व्यक्ति के कह सकते हैं कि दिमाग में घुस के सारा कचरा बाहर निकाल के खुद का जितना भी था सब कुछ इनपुट करके। कैप सर की एज जो है वो 23 है, और 23 में अगर कोई मेरे साथ में जुड़ रहा है, मैं वही चाहूंगा कि आगे जाके वो अपना नाम भी कमाए, पैसा भी कमाए, और एक तरीके से खुद का सब कुछ ग्रो करे। नॉलेज के मामले में यहाँ पर कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि जितना जो कर सकता है, मैं इंजीनियर हूँ तो अब इंजीनियरिंग तक कौन जाएगा, बात वो है। ऑटोमोबाइल तक सीमित ज्ञान, सीमित तरीका वो मेरे पास है सिखाने का, और बहुत फास्टेस्ट तरीका जो हम काम में लेते हैं वो है। और कुछ कहना चाहते हैं आप यहाँ के बारे में? एकदम घर जैसा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर एकदम कोऑपरेट करते पूरा। आपको नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं, सर एकदम फंडामेंटली बताते एकदम स्टेप बाय स्टेप। आपको नहीं समझा आप वापस रिपीट कर सकते हैं, सर वापस वापस बताएंगे। ऐसा नहीं क्या सर ने आज हाथ पकड़ा और कल छोड़ के दिया, बाकी इंस्टीट्यूट के जैसा नहीं सर। यहाँ मैं सब साथ में ही रहे हैं 6 दिन, तो हमने पूरा शेड्यूल, जब कॉल पे बात होती है मेरी भी कॉल पे बात होती है तो सामने ही हो रही है ना, सामने हो रही है, तो इनको भी पता चल रहा है कि हाँ मैं किस तरीके की हेल्प कर रहा हूँ। तो अब इनको यहाँ रहते रहते थोड़ा थोड़ा अगर विश्वास अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। अब ये जाने के बाद देखते हैं कितना काम करते हैं, क्या करते हैं, और मिलते हैं इनसे नेक्स्ट 90 दिन बाद। सर शाकिर सर हैं, शाकिर सर बिहार से हैं, बिहार से नवादा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो शाकिर सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है जो सर से और मेरी बात हुई, क्या
कि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मतलब मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ। तो सर जब आए, अब ये 6 दिन जब पूरे हुए हैं तो कुछ एक रिव्यू होता है कि हाँ भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या था, क्यों था, तो एक बार थोड़ा सा सर आप बताइए। मेरा नाम साकिर हुसैन है, मैं नवादा बिहार से हूँ। मेरा काम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस एसी का काम था, और अभी मैं एसीएम का कुछ भी काम नहीं जानता, कुछ भी नहीं, 0/0। अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई भी एसीएम को खोल करके मैं उसको रिपेयर कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। और यहाँ पर रहने सहने का बहुत अच्छा है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। और ऐसा यहाँ पे ब्रेंड वॉश के तरह काम को दिया जाता है कि आदमी एक चांस में काम को पकड़ लेगा। ऐसा अगर चाहे आदमी तो 10 साल में भी नहीं सीख सकता है। अगर दूसरी जगह अगर कोई सीखना चाहे तो 10 साल में भी नहीं सीख सकता है। एक्चुअली वही बात है, मैं हर व्यक्ति को एक पर्सनल टाइम देता हूँ ताकि उनसे पूछ सकूँ कि हाँ मैंने क्या गलती करी, मैंने क्या गलती करी, आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ आने के बाद भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बोल नहीं पाते हैं, मेरे से बोल नहीं पाते हैं, खुद दूसरे होते हैं किसी भी चीज़ में, तो पर्सनली टाइम देता हूँ मैं। उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, तो उस दिक्कत को ख़त्म करना मेरा कर्तव्य है। जो भी मैंने फीस ली, जिसके लिए भी ये लोग पांचों लोग बैठे हैं, जब भी आए मैंने जो बोला वो इन्होंने सबने करा, ईमानदारी से करा, मेरा कर्तव्य जितना था वो मैंने पूरा करा। अभी के 6 दिन हो चुके हैं पूरे, हम ये सेशन पूरा लाइव भी दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑटोमोबाइल वाले कभी देखते नहीं है, कभी उनके पास इतना टाइम नहीं है वो मेहनत देख सकें, कभी उनके पास इतना टाइम नहीं है वो सब कुछ कर सकें। तो आशा करता हूँ आपका लाइफ का जर्नी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 90 दिन बाद आप दोनों किसी अलग बैच में दिखोगे, या हो सकता है आप अलग दिखो, आप अलग दिखो, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आप सभी को कुछ भी कहना हो लास्ट। जो भी ईसीएम ईसीएम जो भी काम सीखना है, ईसीएम का काम का सब सब सिखा देंगे। बाकी एमईएस में जो सिखाया जाता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिखाया जाता है। मगर इलेक्ट्रॉनिक्स का जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी जगह में इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं, यूज होते हैं, सारा चीज का नॉलेज मिलेगी। अगर आपको ईसीएम का ट्रेनिंग हर एक दे देगा, ईसीएम रिपेयरिंग दे देगा, डेटा दे देगा, बाकी इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज कोई नहीं देगा। इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज नंबर वन नॉलेज यहाँ पर मिलता है। मेरे टेक्निक नहीं देगा, टेक्निक जो होता है। हाँ, शिवा का नहीं वो मास्टर अलग था इसलिए थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया है तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। నేను రిపేర్ చేస్తాను, ఇంకా ఎవరైతే రిపేర్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నారో త్వరలో నేను ఇన్విటేషన్ కార్డు విజిటింగ్ కార్డు ప్రింట్ చేయించి నేను చెప్తాను, రెండు చాలా జాగ్రత్తగా మంచిగా చేసిస్తాను ఈసీఎం రిపేర్ సార్। మా ఏ బోలా జల్దీ మేము ఈసీఎం రిపేర్ కర్నే వాళ్ళము, ఆ సర్లో మీరు ఇక్కడ అయ్యే మేము రిపేర్ కరూకి బాగా బోల। चलो आज जो है वो जाने का टाइम है, आज संडे है, 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ था रमजान के जस्ट तुरंत बाद। जिस भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए, तो इनसे आप पूछ सकते हैं। सर आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर है 9153901845। सर आए अहमदनगर से, सर का नंबर क्या है? 7057862777। महाराष्ट्र से अहमदनगर, बिहार से नवादा। तनवीर आलम सर आए हैं पूनिया से, पूनिया है बिहार में। सर तनवीर सर आपका नंबर बताइए। 96 36 86 0 20 पूर्णिया बिहार से। बलराम सर आए हैं कटक से, कटक से, कटक जो है उड़ीसा में है। सर आपका एक नंबर बताइए। 9437214525। रफी सर आए हैं आंध्र प्रदेश से, काकीनाडा से। सर आपका नंबर। 9948537585 ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट काकीनाडा आंध्र प्रदेश।